अब उसको अगर बेंच बिठाएंगे तो फिर वो तो गलत हो जाएगा बहुत ज्यादा। सही बात है, सही बात। वो तो फिर वो स्ट्राइक पे जाने वाले बात हो जाएगी कि मैं नहीं खेलूंगा अब। मैं हड़ताल पे हूँ। नमस्कार जितेंद्र, गुड मॉर्निंग, कैसे गुड हो? मॉर्निंग राज, बिल्कुल अच्छे, आप कैसे हैं? बस फर्स्ट क्लास। तो कल के मैच में मजा आ गया और हमने वो तमिल में कर भी दिया, तो CSK के लिए थे इसलिए हमने तमिल में किया। तो बिल्कुल बिल्कुल अभी हम एक छोटा सा, एक हमको लगा कि यार अब सारी टीमें जो है तीन तीन मैच खेल चुकी है, तो खेल हम कोशिश करते हैं चुका हाँ कुछ एक नया एक पहलू उसका सामने लेके आना हूँ। चाहते हैं आपके सामने। तो आज हमने जो टॉपिक चुना है वो ये है कि भैया हमारे जो बेंच वार्मर्स हैं, मतलब जो हमारे कुर्सी तोड़ने वाले, जो हिंदी बोलते हैं ना कुर्सी तोड़ने वाले, बिल्कुल बैठे रहते हैं हर हर दफ्तर में होते हैं, तो IPL में भी बेंच वार्मर्स हैं। तो हमने कहा उनके हाँ। बारे में जरा बात किया जाए, क्या ख्याल है? बिल्कुल उनका ये आई थिंक उनकी इच्छा भी, दफ्तर में तो ऐसे लोग होते हैं जो खुद से बैठना चाहते हैं, खुद काम नहीं करना चाहते, बट यहाँ तो ऐसे लोग हैं जिनको मैनेजमेंट ही खिला नहीं रहा है फॉर सम ऑड रीजन, और बैठे हैं वो सैलरी उठा रहे हैं बस आराम से। पैसे भी दिए उनको और खाली बिल्कुल बैठे हुए। ऐसी नौकरी हमको क्यों नहीं मिलती? चलो कोई नहीं, मैं अब वही नहीं मिली तो नहीं मिली, अब क्या सोच करें। तो रहा ठीक है, अब ये लिस्ट देखते हैं। हैदराबाद के हूँ। लिए मैं मेरे मेरे सामने मेरे मेरे दो ऐसे लोग हैं जिनको हैदराबाद ने लिया। एक तो है केदार जाधव, जो बिल्कुल मतलब उनको चेन्नई ने निकाल ही दिया था, लेकिन उसके बाद एक्सपीरियंस हैदराबाद ने लिया। उनको लगा कि शायद एक एक बैट्समैन जो मिल मिडिल गया ऑर्डर, लोग। हाँ हाँ मिडिल ऑर्डर में आएगा, और जो अपने अजीब तरीके की गेंदबाजी से कोई मतलब एक आध विकेट भी चटका सकता है या एक दो तीन ओवर दे सकता है हमको बीच में, मिडल ऑफ द बिल्कुल इनिंग्स। अंडरग्राउंड बॉलिंग कर सकते हैं जो। हाँ, अब जब रेयान पराग जो है उनकी तरह बॉलिंग कर रहे हैं, वो बेचारे अंदर बैठे, खाली बैठे। बिल्कुल 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 और एक है जेसन रॉय, जिनको जो जिनको रिप्लेसमेंट के तौर पे लिया गया था। जेसन रॉय जो इंडिया के साथ ODIs में, यानी T20 में खेले थे, बिल्कुल इंडिया इंडिया इंग्लैंड की T20s में, तो उनको लिया गया और उनको भी बिठा रखा है बाहर। अभी तक कोई चांस दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। तो मेरे हिसाब से जेसन रॉय के तो चांसेस कम ही हैं, क्योंकि वो मतलब उनके जो ऊपरी माला जो है बहुत स्ट्रांग है। अभी जब केन विलियमसन जब आएगा तो अब इन किसको बिठाएंगे ये समझ में नहीं आ रहा। लेकिन केदार जाधव शायद अब भी आ सकते मनीष हैं। मनीष पांडे उनके लिए बहुत स्ट्रांग केस बना रहे हैं ना कि हाँ, कि नहीं केदार नहीं जाधव को खिला लो हाँ यार। मुझे मुझे ऐसे थोड़ा रेस्ट दे दो, बहुत हो तो बहुत हो गया। गया है। तो अगली टीम पे चलते हैं। आपका जितेंद्र, आपका क्या सीन, क्या ख्याल है? अगली टीम कौन सी है जो हम डिस्कस करेंगे? सबसे सबसे ज्यादा ट्रिकी अगर कोई टीम है जिसके पास ज्यादा ऑप्शन नहीं है बट मतलब उनके लाइक लाइकली रिप्लेसमेंट्स नहीं है, वो है राजस्थान रॉयल्स। मैं घूम फिर के मेरी हमारी टीम पे आ जाता हूँ अच्छा चलो कोई वापस। नहीं। तो राजस्थान रॉयल्स के साथ में इशू ये है कि अब उनके पास जो प्लेयर्स हैं वो या ऐसे हैं या तो वो रिप्लेस नहीं कर सकते, जैसे शिवम दुबे हैं वो किक ऑफ नहीं कर पा रहे, वो बॉलिंग में ठीक है दो तीन ओवर कर लिए तो कर लिए बट उसमें भी रन पड़ रहे हैं। बैटिंग में कोई वो बहुत अच्छी बैटिंग नहीं कर रहे बल्कि इनफैक्ट वो मोमेंटम पूरा रोक देते हैं, उनको रिप्लेस करने के लिए उनके पास प्लेयर नहीं है। तो अब अगर हम जो उनके बेंच स्ट्रेंथ पे देखते हैं जो प्लेयर्स अभी तक नहीं खेल रहे हैं वो है लियाम लिविंगस्टन, एंड्रयू टाई, कार्तिक त्यागी एक है जो बहुत स्ट्रॉन्ग केस है वो आ सकते हैं, इसको रिप्लेस करेंगे वो देखना पड़ेगा। मयंक मार्कंडे का बहुत अच्छा सीन है, उनको आना चाहिए। और टॉप में मनन वोहरा स्ट्रगल कर रहे हैं तो यशस्वी जायसवाल का भी एक अच्छा सीन है कि वो आ जाए तो, और केसी करियप्पा एक और प्लेयर है जो अभी भी सीटें गर्म कर रहे हैं बस। हाँ, तो आपने सही बात कही, क्योंकि अभी इनमें से कुछ नाम तो ऐसे हैं जो, अब जैसे कल आपने देखा कि राजस्थान के जो दो स्पिनर बॉलिंग कर रहे थे वो तो मतलब पिट रहे थे। मतलब हमारे बिल्कुल जो तेवतिया साहब जो हैं वो ज्यादा रन पे नहीं गए, लेकिन इफेक्ट रेयान पराग और तेवतिया को 4 ओवर कराने के चक्कर में थे वो, जो उन्होंने करवाए। बिल्कुल लेकिन लेकिन आप अगर देखें तो कल के मैच में राजस्थान रॉयल्स को हराने की पूरी जिम्मेदारी जो है वो स्पिनर्स ने ली थी, जडेजा और मोइन अली ने। तो मयंक मार्कंडे या आपके जैसे केसी करियप्पा जो है वो तो मेरे हिसाब से तो बनते हैं, करेक्ट? बिल्कुल 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 हाँ, ये अब अगर इसकी जगह लियाम लिविंगस्टन को लेके आ जाए तो आपके फिर ओवरसीज में, ओवरसीज प्लेयर में एक लफड़ा आ जाता है, फिर वो डेविड वो लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट डेविड मिलर के हैं तो मिलर डेविड ही मिलर, जाएगा। हाँ, और अब मिलर ने बेचारे मिलर ने भी इतने दिन से बेंच पे ही बैठा है बेचारा वो। वो उसने बेचारे ने कुछ गलत कुछ नहीं किया, आके उसने मैच भी जिता दिया लिटरली, और अब उसको अगर बेंच बिठाएंगे तो फिर वो तो गलत हो जाएगा बहुत ज्यादा। सही बात है, सही बात। वो तो फिर वो स्ट्राइक पे जाने वाले बात हो जाएगी कि मैं नहीं खेलूंगा मैं हड़ताल पे हूँ। चलिए अब। चलिए, बिल्कुल तो अगली टीम देखते हैं फिर। अब मुंबई की टीम देखते हैं।
मुंबई की टीम तो यार ऐसी है कि यार इसमें यार क्या बोले इनको, उसमें चेंज के मतलब बहुत कम है, स्कोप है ही नहीं। हाँ। तो उन्होंने पैसे देखे, जिम्मी नीशम को उठाया इस बार, जो मतलब पिछली बार किंग्स इलेवन नहीं पंजाब किंग्स, जो पिछली बार किंग्स इलेवन थे वहां पे थे, ज्यादा वहां पे भी नहीं खेले वो, एग्जैक्टली वहां पे भी बेंच वार्मिंग ही कर रहे थे वो। नेतन कोटल कुल्टन नाइट जो है, जिनको उनको उन्होंने रफा दफा कर दिया था, लेकिन फिर पता नहीं क्या सोच के उन्होंने वापस ऑक्शन में दोबारा उठा लिया, लेकिन शायद सस्ते में मिल गए होंगे। बिल्कुल, इनकी बॉलिंग लाइनअप में तो आई डोंट थिंक कोई चेंज पॉसिबल है, बिकॉज जिस तरीके की बॉलिंग जसप्रीत बुमराह और ट्रेंट बोल्ट कर रहे हैं, आई डोंट थिंक किसी और टीम के पास में ऐसी बॉलिंग लाइनअप है अभी। हाँ, बिल्कुल, वो अपने बॉलिंग के दम पे उन्होंने मैचेस दो मैचेस निकाल दिए, तो बहुत बड़ी बात है वो। हाँ, और मोटे तो अगर आप सोचे तो हमारे पांड्या मतलब कुंफू पांड्या जो है वो तो अभी खेले बॉलिंग, वो तो अभी उनको नर्स कर रहे हैं, उनकी इंजरी है। हाँ, तो एक ही पांड्या बॉलिंग कर रहे हैं अभी फिलहाल, एक ही पांड्या बॉलिंग कर रहा है, एक ही पांड्या बैटिंग कर रहा है मतलब तू बैटिंग कर ले, मैं बॉलिंग करता, चल एक घर से इतना ही करेंगे हम, क्या बात। तो एक किसी टाइम पे पाकिस्तान के एक क्रिकेट फैमिली है जैसे कामरान अकमल की, उनके फादर ने कहा था कि कुछ भी हो जाए कीपिंग तो हमारे हमारे अकमल फैमिली में ही रहेगी, वही हालत यहाँ पे हो रही है। ऑलराउंडर तो मतलब पांड्या फैमिली के रहे, पांड्या फैमिली कोई नहीं। तो मुंबई के पास तो कोई ज्यादा ऑप्शन नहीं है, आगे आगे फिर क्या लगता है आगे? केकेआर के बारे में बात करते हैं। केकेआर के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग सी चीजें हैं मेरे पास में, जो बड़ी मेरे मन में आती है बात करने की। कुछ कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं उनके जिनको मैं देखना चाहता हूँ इंडिया के लिए खेलना, बट वो उनको केकेआर में भी लाइन चांस नहीं मिल रहा है। शिवम मावी हो गया, शिव नागरकोटी हो गया, और हमारा कुलदीप हो गया, ये तीन तो प्लेयर्स ऐसे हैं जो इंडिया के लिए खेलने चाहिए, लेकिन कभी यहाँ पे भी चांस नहीं मिल रहा। तो ये थोड़ा सा है कि यहाँ पे इन दोनों को चेंज कर सकते हैं। फिर सबसे इंटरेस्टिंग चीज है, जैसे अगर उनका पेस अटैक में लॉकी फर्ग्यूसन और सुनील एरन दोनों को ही चांस नहीं मिला अभी तक। तो लॉकी फर्ग्यूसन तो पिछले सीजन में कुछ मैच खेले थे उन्होंने, और अच्छी खासी बॉलिंग, बहुत अच्छी बॉलिंग की थी उन्होंने, मैचेस उन्होंने अपने दम पे गेम चेंज भी कर दिए थे बॉलिंग। तो उनको नहीं खिलाना अभी तक समझ नहीं आया, क्योंकि एक एक सॉर्ट ऑफ एक लेग पूरा हो गया, दो तीन दिन मैचेस ऑलमोस्ट सारी टीम से खेल लिए हैं, अब इनको अगर नहीं खिलाएंगे तो आई डोंट नो उनके सही बात क्या, है क्या टीम क्या फायदा है। करेक्ट, मेरे हिसाब से तो बेन कटिंग जो है वो तो मतलब लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट हुए हमारे ड्रेयरस का। अब ड्रेयरस तो मतलब उम्मीद पे चल रहे हैं अभी भी, जैसे हमारे ब्रांड नेम पे है कि हाँ मतलब वो उम्मीद पे चल रहे हैं। हाँ, कभी ना कभी तो खरे उतरेंगे, अभी तक तो उतरे नहीं, मतलब जितनी चढ़ी थी सब उतर गई है, लेकिन माहौल कुछ मंदा ही है वहां पे। बिल्कुल, और एक करुण नायर भी ऐसे हैं जो एक ऑलराउंडर है, खिला सकते हैं उनको, उन्होंने बैटिंग में बहुत ज्यादा उन्होंने प्रूव नहीं किया है, बट स्टिल उनको खिला सकते हैं। हाँ नहीं, वो चक्कर क्या है ना कि वो पहले तीन तो एक तरीके से फिक्स हो गए। बिल्कुल, तो और चार और पांच भी एक तरीके से फिक्स है, एक अभी के करंट कैप्टन है, एक पूर्वी कप्तान है, वो भी फिक्स हो गए। तो बचे कौन? वो हमारे ड्रेयरस साहब, भाई साहब बचे। बिल्कुल, अब वो तो मतलब वो तो नवाबजादे हैं, तो वो तो या तो वो मतलब माई वे और हाईवे वाली बात है उनकी, करें हम तो यही करेंगे भैया। बिल्कुल, आपने पिछले मैच में भी देखा किसी को रनआउट नहीं किया उन्होंने, उनको लगा रनआउट करके भागना पड़ेगा, क्यों रनआउट करें बेचारा बच्चा, कोई बात नहीं है, आउट कर भी ले वैसे भी जीतने वाले नहीं। आज मूड नहीं रनआउट का, चल जाने दो, तो मतलब वो अलग उस पे चल रहे हैं, वो तो देखेंगे क्या होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आरसीबी की तरफ चलते हैं। बिल्कुल, आरसीबी के साथ तो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि आरसीबी ने टीम्स जो है चेंज नहीं किए, मतलब बड़े मोटे मोटे चेंजेस नहीं किए, क्योंकि इतने सीजन से हम देख रहे हैं सबसे बड़ी दिक्कत जो है अपने को आरसीबी से है वो यही है कि एक टीम दो मैचेस नहीं खेलते। अब जैसे पिछली बार अभी आपको याद होगा पूरे पूरे सीजन के करीब करीब आखिर में जाके अपने मोहम्मद सिराज को उन्होंने ओपनिंग बॉलिंग करवाई, जो उसका रोल है वो ओपनिंग बॉलिंग ही करता है, वो उसके 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 अलावा उसको कुछ आता नहीं। बिल्कुल, और इवन एरन फिंच का भी उन्होंने बहुत लास्ट टाइम बहुत लेट जाके रिप्लेस किया था, और कुछ चॉप चेंज करके उन्होंने कुछ करना है। बिल्कुल, बहुत उनका उनका उनको अपना लाइनअप मिल नहीं रहा था, जो अब आई थिंक उनको मिल गया है, और उसका कारण ये हो रहा है कि अब उसके बाद में ये हो रहा है कि अब जो और टैलेंटेड प्लेयर्स हैं वो वहां पे बैठे हैं, वो खाली बैठे हुए हैं, वो अपना बेंच करा भेजा। हमारे नवदीप सैनी है जो मतलब थोड़ी उनकी फिटनेस इश्यूज थी, इंडिया के शायद आर्ग्यूएबली सबसे तेज गेंदबाज है। बिल्कुल, तो वो बैठे हुए आराम से। केन रिचर्डसन जो है जो मतलब ऑस्ट्रेलिया के जो माने जाते हैं कि वो एक विकेट टेकिंग बॉलर है, एंड वो अपना
स्लो पिचेस पे भी काम आते हैं क्योंकि उनके वेरिएशंस बहुत है। फिन एलन जो है न्यूजीलैंड के ओपनर हैं, विकेट कीपर ओपनर हैं, वो अभी मतलब न्यूजीलैंड की जो अभी सीरीज खत्म करके वो यहाँ आए हैं, तो उसमें एक आध एक दो मैचेस में काफी धुआंधार बैटिंग की उन्होंने। Exactly. तो शायद उनके उसी तक चक्कर में वो लेके आए थे, शायद किसी के रिप्लेसमेंट भी है, मुझे ध्यान नहीं किसका, शायद रिप्लेसमेंट है। डैनियल सैम्स जो है एक बॉलिंग ऑलराउंडर कहे जाते हैं, बैटिंग उनकी हमने देखी नहीं आज तक, बॉलिंग तो अच्छी कर लेते, तो वो भी बाहर बैठे हुए, तो आराम कर रहे हैं, चलो अच्छा है। फिर हमारे लोकल स्टार जो भी जिन्होंने अभी रिसेंटली डोमेस्टिक गेम्स में बहुत जबरदस्त स्कोरिंग की थी, अजहरुद्दीन, हाँ वो भी बैठे हैं, उनको भी अभी सचिन और अजहर दोनों हैं उनकी टीम में, दोनों खाली बैठे, तो बढ़िया है, तो चलिए आगे चलते हैं। पर प्रॉब्लम उनके साथ यही है कि लाइफ में आई थिंक फर्स्ट टाइम उन्होंने 3 मैचेस ऑन द ट्रॉट जीते हैं, सबसे पूरे इतने सीजंस में अब तक सबसे ज्यादा देर वो टेबल के टॉप पे रहे, तो अब वो आई डोंट थिंक वो विराट कोहली अपना बेड से उतरने का तरीका भी चेंज करेंगे, वो जो चल रहा है वो बस वैसे ही चलेगा, उसमें कोई सेकंड नहीं। ये बात सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अब चलते हैं पंजाब, आ जाते हैं पंजाब पे, चलते हैं पंजाब पहुंचते हैं, तो क्या सीन है आपको, क्या लग रहा है पंजाब का? पंजाब को अपनी स्ट्रेटेजी बिल्कुल चेंज करनी पड़ेगी अगर उनको मैचेस अब जीतने हैं तो, क्योंकि इतना इतना स्कोर करने के बाद भी अगर वो नहीं जीत रहे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा उनके लिए आगे खेलना, तो उनके लिए भी उनके पास भी बॉल बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन उनके पास पड़े, क्रिस जॉर्डन उनके पास में बैठे हैं, रवि बिश्नोई है, ईशान पोरेल जो बहुत अच्छे टैलेंटेड फास्ट बॉलर है, डोमेस्टिक है तो उनको खिला सकते हैं, डेविड मालन एक है जो डेविड मालन को तो आप T20 के टॉप प्लेयर है, तो क्रिस गेल अगर आपका नहीं परफॉर्म कर रहे हैं तो आप कोई कोई सेकंड थॉट नहीं होना चाहिए, प्रोफेशनलिज्म की अगर बात होती तो डेविड मालन मेरे हिसाब से तो आज की डेट में क्रिस गेल से पहले खेलने चाहिए, और इवन ऑलराउंडर भी है मोजेस हेनरिकस भी है, तो वो भी अपने दम पे गेम निकाल सकते हैं बॉलिंग बैटिंग दोनों से, तो सही बात है। तो क्योंकि पंजाब किंग्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस बात ये है कि वो 6-5 की उस पे गए हैं, वो 6 बैच पर 5-5 पे खेल रहे थे, वो एक तो बस वो एक तो एक्स्ट्रा है, वाइल्ड कार्ड है, चल गया मतलब वाइल्ड तो खैर है ही, अब तो कार्ड भी बन गया, तो आप तो उनको मतलब ये मिडिल ऑर्डर में मिडिल में कहीं पे उनको एक ऐसा एक कोई एक आदमी एक बैट्समैन या बॉलर कोई एक चाहिए जो मतलब बैटिंग और 2-3 ओवर निकाल ले, मोसेस एनरिकस उस टाइप के बैट्समैन है, मोसेस भी हो गए और क्रिस जॉर्डन दोनों में से कोई एक है, वो कभी भी आ सकता है। तो मेरे हिसाब से तो मतलब मेरे को तो ये लग रहा है कि दोनों को ही खेलना चाहिए, अब दोनों कौन बाहर कौन बैठेगा इसके ऊपर चर्चा हो सकती है, लेकिन मेरे हिसाब से ये दोनों ही, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उनके जो ऑस्ट्रेलियाई फास्ट बॉलर जो अभी दो नया है वो मतलब 4 चांद लगा रहे हैं, वो तो मतलब टाइम फिश हैं बिल्कुल ही करीब, तो मेरे हिसाब से दोनों को ही खेलना चाहिए अगला मैच। ऑपोजिशन टीम के लिए कंट्रीब्यूशन पूरा कर रहे हो, मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो आगे जाके ये भी कहूंगा, मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि डेविड मलान को भी खिलाओ, क्रिस गेल को बाहर बैठाओ, दोनों अपने फास्ट बॉलर को बाहर बैठाओ और इन तीनों को खिलाओ बिल्कुल। पिछली बार तो फ्लेवर ऑफ द सीजन था, कहीं कुछ भी बेचारा वो है नहीं है, तो अब तो क्या है ना कि सारी टीम क्योंकि ग्राउंड पे नहीं आ सकती, वो 15 लोग ही मिलते हैं, बाकी 10 तो घर पे बैठे होते हैं, होटल में बैठे होते हैं। मैं रवि बिश्नोई के साथ मेरा थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर ऐसा है कि वो अनिल कुंबले के गाइडेंस में खेल रहे, तो अगर उनके पास कुछ सीखने का, अगर रवि बिश्नोई का एक बहुत वर्ल्ड क्लास बॉलर बनने का चांस तो यही है, अब इस टाइम पे वो क्या कर रहे हैं वो समझ नहीं आ रहा उनके साथ में वो। हाँ तो नहीं, मुझे तो इस बात पे मेरे को डाउट है कि भैया वो खेल भी रहे नहीं खेल रहे, क्योंकि पिछले साल तो शायद उन्होंने सारे मैच खेले थे, exactly. मतलब एक बार उनको टोपी मिल गई, मतलब उनकी टोपी पहना दिया गया, अब उनको तो सारे मैच वो खेले है ना, तो इस बार वो दिखे ही नहीं अब तक, तो चलिए वो आगे बढ़ते हैं, अब चेन्नई की तरफ चलते हैं, या चेन्नई की तरफ चलते हैं। चेन्नई का तो मतलब यार अब क्या है कि अब कल मैच वो जीते हैं तो हम ज्यादा अपने को बोलना बनता नहीं है, लेकिन फिर भी ये कहेंगे कि यार अब ये वो धोनी की जैसे पुरानी आदत है कि वो लॉयल्टी फैक्टर बहुत तगड़ा है उनमें, एग्जैक्टली, मतलब वो एक बार बंदा अंदर आ गया तो फिर तो बस आ गया, फिर वो पूरी टीम बाहर हो जाएगी, लेकिन बंदा बाहर, हाँ बंदा बाहर नहीं होगा, तो मेरे लिए मुझे तो वही किया था। हाँ मुझे अब जैसे आप देखोगे तो कृष्णप्पा गौतम जो है वो उनको मतलब काफी पैसे दे के लिया उन्होंने, एग्जैक्टली, अभी तक एक आध बार घूमते हुए मतलब बाउंड्री पे घूमते हुए दिखे, रॉबिन उत्तप्पा है जो बाउंड्री पे घूमते हुए दिखे, चेतेश्वर पुजारा तो बेचारे दिखे ही नहीं है बिल्कुल, वो तो खेलो जो
ट्विटर एक ट्विटर वीडियो में छक्के मारते हुए देखे थे, उसके बाद तो बैट पकड़े भी नहीं देखे कहीं पे। तो हमारे जो तो अभी ऐसा नहीं है कि बहुत लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सुरेश रैना ने पहले मैच में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, उसके बाद अगले दो मैचेस में कुछ खास नहीं किया। कल भी मतलब वो बहुत दिख रहा था कि उनको भी क्योंकि वो खेलते नहीं है पूरे साल, वो खेलते नहीं है, तो उनको आउट करने का तरीका बैट्स बॉलर के पास ये होता है कि बाउंसर मारो पहले, तो सीधे सीधे ही बाउंसर चिपका देते हैं। तो ये है इमरान ताहिर जो है 40 के हो गए, पता नहीं कितने के हो गए, 40 को शायद तो हो ही क्रॉस कर ही चुके हैं, आई थिंक 41 प्लस है वो। तो वो छोटे दाढ़ी वाले तो और भी आ सकते हैं लेकिन लंबे दाढ़ी वाला एक ही रहेगा। तो मोइन अली है और उनके लिए बहुत बढ़िया कर रहे हैं वो मोइन, बिल्कुल मोइन तो शायद उनके लिए बहुत फर्स्ट क्लास परचेज हो गए इस बार के मोइन अली उनके लिए। और जब से इनको इंग्लैंड ने थोड़ा सा गंदे तरीके से ट्रीट किया था लास्ट वो टेस्ट मैच में खेलने के बाद में, और उसके बाद से तो उनको ऐसा लगा ना कि ही वांट्स टू प्रूव अ पॉइंट कि भैया जो टेस्ट मैच इंग्लैंड हार भी रही थी तीसरा टेस्ट मैच, उसमें भी उन्होंने लास्ट में आके तो बहुत बहुत शॉट्स मारे थे, फिर T20 में उन्होंने एग्रेसिव खेला था, यहाँ पे भी खेल रहे अच्छा खेल रहे। मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कि जब CSK और RCB का मैच होगा अगले इस हफ्ते है शायद, तो उसके लिए इंतजार कर रहा हूँ क्योंकि RCB ने उनको खरीदा नहीं दोबारा, मतलब उनको रिटेन नहीं किया, तभी तो जाके CSK में पहुंचे, पैसे भी ज्यादा मिल गए और मौजा ही मौजा हो गया। चलो बढ़िया। ये जैसे इवन सैम करन बोल रहे हैं, और आई थिंक अभी ये थोड़े दिनों में इनका भी स्टेटमेंट आने वाला है मोइन अली का, कि CSK में जाने के बाद उनको समझ आ गया कि उनकी एबिलिटीज क्या है। तो आई थिंक वो एक लीडरशिप वाला फैक्टर भी आता है, बिकॉज उससे पहले वो बेबी फेस सैम करन जो थे वो ठीक है एक एवरेज बॉलर एवरेज परफॉर्मर थे, लेकिन लास्ट सीजन के बाद में आई थिंक उनकी जो परफॉर्मेंस है वो टोटली चेंज हो चुकी है। तो मतलब आप मतलब मोटे तौर पर हम ये कह रहे हैं कि भैया मैक्सवेल को भी इवेंचुअली जो है CSK में आने पड़ेगा। चलिए देखते हैं। चलिए अब बचा कौन है, दिल्ली सड़े दिल्ली। हाँ सड़े दिल्ली तो दिल्ली में भी दिल्ली भी काफी सेटल सी है, बट अगर उनके पास भी है प्लेयर्स अभी नोकिया थे तो नोकिया तो थोड़ा सा उनका फिटनेस का आई थिंक वो कोविड का स्केयर उनका था तो आई थिंक उसके कारण वो अभी वेट कर रहे हैं, बट नोकिया और रबाड़ा अगर साथ में बॉलिंग करेंगे तो किसी भी टीम के लिए एक नाइटमेयर हो सकते हैं वो। प्लस इंडियन बॉलर्स में इंडिया के दो मेन लाइन फास्ट बॉलर्स हैं जो दोनों अभी बैठे हैं, उमेश यादव और ईशान शर्मा, वो बैठे हैं छोले कुलचे खा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। तो नहीं मुझे उमेश यादव की बात समझ में नहीं है क्योंकि ईशान शर्मा तो खैर पहले से ही टीम में थे। Exactly, उमेश यादव जो मतलब RCB के लिए एक आध मैच खेलते थे, आप तो बिल्कुल झाड़ू मार रहे हैं बेचारे बैठे, कोई काम नहीं है वो ईशान के लिए कुल चला रहे हैं वो सर। इसके अलावा कोई उनके पास काम नहीं रहेगा, और लास्ट बचे एक सैम बिलिंग है जो बिल बना रहे हैं। अच्छा मतलब वो तो बिल दे चुके होंगे शायद, भैया इतने तुम खिलाओ नहीं खिलाओ मेरे इतने पैसे बन, मेरे इतने पैसे दे दो, बाकी मैं बैठा रहूंगा जो मर्जी करवा लो मेरे से। लेकिन सैम बिलिंग्स मेरे को क्या लगता है कहीं ना कहीं वो बीच में लेके आएंगे सैम बिलिंग्स को स्टीव स्मिथ की जगह, देखेंगे स्टीव स्मिथ जो मतलब अगर क्योंकि स्टीव स्मिथ के पहला मैच कोई खास अच्छा गया नहीं। और अब क्या है ना हमारे साथ एक और दिक्कत है कि इतने सारे कीपर कैप्टन हो गए। Exactly. जितने कीपर कैप्टन है धोनी के अलावा अब सारे धोनी के नक्शे कदमों पे चल रहे हैं। बिल्कुल आप देखो कि धोनी ने तो जब धोनी कैप्टन हो और कोई भी कीपर इंडिया के लिए खेला हो तो धोनी ही कीपिंग करता है। Exactly. तो बाकी सारे भी वो सीख गए। अभी ऋषभ पंत के पास ऑप्शन है तो लेकिन वो तो कीपर तो मैं ही बनूंगा, कीपर तो मैं ही बनूंगा। अब संजू सैमसन पिछले साल वो कैप्टन नहीं था तो जॉस बटर कीपिंग कर रहा था, आप बोला कि भाई आप तो कैप्टन मैं हूं मैं यही खड़ा हूं। तो मालूम पड़ा कल जॉस बटर तो मतलब कप्तानी भी कर रहा था, वो तो बॉलर्स के साथ बात करके बता रहा था क्या करना चाहिए। एग्जैक्टली वो बहुत सीनियर प्लेयर है, उनको आरसीबी राजस्थान रॉयल्स उनको प्रॉपर यूज नहीं कर रही है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो क्यों उनका टैलेंट वेस्ट कर रही है, क्यों उनका एक्सपीरियंस वेस्ट कर रही है। कल तो हमारे मतलब माइकल वॉन ने पनौती लगाई थी जब माइकल वॉन की ट्वीट के जस्ट बाद में हमारे विकेट गिरने शुरू हुए थे राजस्थान रॉयल के। तो आई थिंक माइकल वॉन का ट्विटर अकाउंट बैन करना चाहिए कुछ टाइम के लिए। नहीं वो तो खैर कल के मैच में तो अगर आप जानो मैंने तो मतलब एग्जैक्टली आपने बहुत पहले प्रेडिक्ट में ही कह दिया था कि मैंने कहा भैया 6 ओवर में 2 विकेट इन्होंने चटका है तो मैच हो गया। क्योंकि पिच जो है रुक के आ रही थी, वो मेरे को जितने फास्ट बॉलर उनके बॉलिंग कर रहे थे रुक के आ रही थी गेंद जो है रुक के आ रही थी, तो मुझे लगा कि वो पिच मुंबई पिच की तरह नहीं, मुंबई पिच जो है वो भी उसको लगता है
कोरोना लग गया है तो उसको डाउट हो रहा है कि भाई मैं आज क्या हूं, मैं आज कौन आज, आज, आज मेरा आज मेरा कौन सा रूप लेके आऊंगा मैं कौन सा। हाँ, तो वो हिसाब से चल रहा है। चलिए, तो ये हमारे कुछ ऐसे मित्र हैं जो मतलब पैसे वैसे लेके आराम से घर पे बैठे हैं, छोले कुलचे, हमको जलन हो रही है काफी, बहुत जलन हो रही है। तो अगर आपके पास भी ऐसी कोई लिस्ट है, या मतलब आपको लगता है कि कोई और जो है बैठे हुए हैं और उनको खिलाना चाहिए, मतलब बहुत लोग बैठे हैं, ऐसा नहीं है, हमने कुछ लोगों को चुना है, तो आपको लगता है कि और लोग बैठे हुए जिनको आप खेलना खेलते हुए देखना चाहेंगे, या मतलब आपको लग रहा है कि फ्री के पैसे ले रहे हैं, मुफ्त की रोटी तोड़ रहे हैं, तो आप जरूर कमेंट कीजिए, कमेंट सेक्शन में छोड़िए, और हम उनके बारे में भी बात करेंगे। और अगर आप चाहें, आप चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े और बात करें, प्लीज मोस्ट वेलकम। बिल्कुल, एक ही चीज है, सारी चीजों के साथ में एक ही रिक्वेस्ट है कि आप घर में रहें, अगर आपको बाहर नहीं जाना तो घर से बाहर ना निकले और सेफ रहें। हाँ, मास्क जरूर पहने, एंड मास्क जो है नाक के ऊपर पहने, नाक के नीचे। अब आप सोच के देखिए, क्रिकेट हेलमेट होता है शोल्डर पे लगा के, मैं तो और भी आगे जा रहा हूँ जितेंद्र, मैं तो बोल रहा हूँ अगर क्रिकेट में एक गार्ड होता है, एग्जैक्टली, अब वो गार्ड जो है वो मुंह में पहन के आ गया तो क्या फायदा है उसको। बिल्कुल, गार्ड जो है जहाँ पहननी चाहिए वहां पहननी चाहिए ना, बॉल नाक पे तो लगेगी नहीं, हेलमेट आपकी पहले से ही है वहां पे, लेकिन जहाँ लग सकती है आपकी जो है मतलब आगे आने वाली पुश्तें खत्म हो सकती हैं। तो जो है जो चीज जहां पहननी चाहिए, जहां सही है वहीं पहननी चाहिए, तो मास्क जरूर नाक के ऊपर पहने, नीचे नहीं। चलिए, थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद, खुदा हाफिज, बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद।